नागपुर के डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय विमान तल हज यात्रा के रवान की कार्यक्रम में आवश्यक व्यवस्थाओं के लिए प्रशासन की तरफ से तैयारी पूर्ण कर ली गयी है 27 से 31 मई तक चार जत्तों में करीब एक यात्री रवाना होंगे यात्रा में सुविधाओं को लेकर मंगलवार को विमानतल के सभागृह में समीक्षा बैठक आयोजित हुई बैठक में बिहार के वरिष्ठ विमानतल निदेशक आबित्रोही महाराष्ट्र राज्य हज समिति के चेयरमैन आसिफ खान अब जिलाधिकारी वसीम शेख राज्य हज समिति के कार्यकारी अधिकारी इम्तियाज काजी सहायक आयुक्त अशोक शेल सऊदी एयरलाइन बैठक में नागपुर एयरपोर्ट पर यात्रियों की सुविधा के लिए पीने के पानी सहित वजू के लिए पानी आपातकालीन चिकित्सा टीम अतिरिक्त टॉयलेट व्हील आदि की सुविधा किए जाने के लिए संबंधित विभागों के प्रमुख अधिकारियों को निर्देश दिए गए सऊदी एयरलाइन की एयर में तीन सौ इकसठ यात्री स्वरूप चार राउंड में कुल एक हजार चार सौ चौवालीस हज यात्री रवाना होंगे यह भी स्पष्ट किया गया कि 6 से 9 जुलाई के दौरान चार राउंड भी यात्रियों की नागपुर विमानतल पर वापसी होंगी ऐसी वर्ष पहली बार नागपुर से हज यात्रा की सारी सुविधाओं का संचालन स्वयं राज्य हज समिति द्वारा किया जा रहा है कैमरा पर्सन राजकुमार मोहड के साथ अभिषेक पांसी की रिपोर्ट